हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहीं आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही है? क्या आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हैं या साइंटिफिक तरीके से? अगर आपकी थिंकिंग में कोई खामी है तो उसे सुधारने की जरूरत है, और यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आप सभी के लिए है। आज की ऑडियो बुक समरी सुनने के बाद आप अपने सोचने के अंदाज को बदल दोगे। तो आइए सुनते हैं थिंक अगेन, जिसे लिखा है एडम ग्रांट ने। एडम ग्रांट ने सक्सेस पाने के लिए कुछ लेसन्स बताए हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो आइए उन्हें सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। नंबर वन है कन्वेंशनल अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। ऑथर हमें एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार अमेरिका के जंगल में आग लग गई और उसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। उन्हें कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ ही रखे, नहीं तो वे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही फायर फाइटर जंगल में आए तो देखा कि आग बहुत तेजी से फैल रही थी। वे उसे बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगी। सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स काफी हैवी थे, वे जल्दी से भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन एक फायर फाइटर ने अपनी थिंकिंग से काम लिया और इंस्ट्रूमेंट्स फेंक दिए। इससे वह तेजी से भाग पाया और अंत में केवल वही जिंदा बच पाया। तो दोस्तों, इस एग्जांपल से पता चलता है कि हमें हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से हमें अपनी थिंकिंग बदल लेनी चाहिए। जैसे हमारे देश में मैक्सिमम युवकों की कन्वेंशनल सोच सरकारी नौकरी पाने की होती है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोग तरह तरह के ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और रिच बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत से फेमस यूट्यूबर, फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटिंग आदि तो देखी ही होगी। तो हमें अपनी कन्वेंशनल थिंकिंग छोड़कर एक नए तरीके से सोचना शुरू करना होगा और देखना होगा क्या हम भी ऊपर बताए गए तरीके सीखकर रेवेन्यू कमा सकते हैं। उचित थिंकिंग, मेहनत और मेंटरिंग से यह बिल्कुल संभव है। लेसन नंबर टू है थ्री टाइप्स ऑफ टॉकर्स। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर इन तीन रोल्स को इख्तियार करके ही करते हैं। नंबर वन है प्रीचर, यानी उपदेशक। जब हम दूसरों को समझाने लगते हैं तो ज्यादातर इस रोल में आ जाते हैं। हम दूसरों को समझाने की बजाय उन्हें समझने लगते हैं, उन्हें लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगते हैं, यह जाने बगैर कि दूसरे की भी कोई मजबूरी हो सकती है या कोई दृष्टिकोण हो सकता है। नंबर दो है प्रोसिक्यूटर्स। इस रोल में होते हुए हम हर बहस को जीत लेना चाहते हैं। हम उल्टे सीधे तर्क देकर अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नंबर थ्री है पॉलिटिशियंस। इस रोल में हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे जैसा सुनना चाहते हैं वैसा ही बोलते हैं, लेकिन इन सब के पीछे मैनिपुलेशन होता है। अब हम अपना कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, दूसरे भी जब हमसे बात करते हैं तो इन तीन रोल्स में किसी एक में ही कर रहे होते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि बातचीत का यह गलत तरीका है। इसमें हम बिना थिंकिंग के बोले चले जाते हैं। इसके बजाय हमें एक साइंटिस्ट के रोल में आकर ही बात करनी चाहिए। साइंटिस्ट हमेशा फैक्ट, एविडेंस और डेटा के आधार पर ही बात करता है, ना कि किसी ऑटोमेटिक रोबोट की तरह। मान लीजिए आप अपने दोस्त से किसी बिजनेस का आइडिया डिस्कस करने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपका दोस्त कहने लगे कि बिजनेस तो डूब जाएगा, और इसके बाद वह आपको एक लंबा सा लेक्चर दे देगा। उसके पास ना कोई डेटा होगा, ना कोई एविडेंस, लेकिन वह एक एक्सपर्ट की तरह बोलता चला जाएगा। तो इस तरह की नॉन साइंटिफिक कन्वर्सेशन से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। इसलिए आज से ही थिंकिंग के साथ बातचीत करना शुरू कर दीजिए। नंबर थ्री है टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस। लोग
लोगों में दो तरह का कॉन्फिडेंस पाया जाता है, राइट कॉन्फिडेंस और रॉन्ग कॉन्फिडेंस। रॉन्ग कॉन्फिडेंस दो तरह का होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से भरे लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा आता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग आर्मचेयर क्यूटरबेक सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं। लोअर कॉन्फिडेंस वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, जबकि उन्हें दूसरों के मुकाबले काफी कुछ आता है। ऐसे लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारे फेलियर का कारण बनता है। यह हमें हमारी एबिलिटी का ज्ञान नहीं होने देता है, इसलिए हम अपने एफर्ट्स में सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद को एनालिसिस करें और देखें कहीं आप में भी ये दो प्रकार का रॉन्ग कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इसे सुधारें और सिर्फ राइट कॉन्फिडेंस ही रखें। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ लड़के हमेशा किसी हीरो की तरह बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वे किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, जबकि उनकी पर्सनालिटी और एक्टिंग भी कुछ खास नहीं होती है। तो ऐसे लोग ही ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं। नंबर 4 है विनिंग। रॉन्ग इज ओके, यानी गलत होना अच्छी बात है। कुछ लोग चाहते हैं कि दूसरे उनके विचारों से सहमत, कभी उसे गलत न बोले, बेशक उसके विचार सही न हो तब भी। ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति में ईगो होती है। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि दूसरा उसकी आइडियोलॉजी से गलत बोल रहा है। लेकिन ऑथर ने कहा है कि यह भी सही थिंकिंग नहीं है। हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी पास्ट में सही रही हो, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। ऐसे में आपको भी अपने विचार बदलने चाहिए, ना कि उनसे चिपके रहना चाहिए। कुछ लोग किसी पार्टी विशेष की तारीफ ही करते रहते हैं, फिर चाहे उस पार्टी ने गलत पॉलिसी भी बनाई हो। इस तरह बाइंड डिवोशन ना करके हमें खुले माइंड से पॉलिसी पर विचार करना चाहिए और कुछ गलती हो तो उस पर अपने सुझाव देने चाहिए। इससे पार्टी और सख्त होगी और गलत कार्यों से बच जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी पार्टी है तो ठीक ही होगी। अगर किसी का पिता कुछ गलत करे तो बेटे को उन्हें भी पोलाइटली समझने की हिम्मत होनी चाहिए, या नहीं कि पिता की गलत चीजों को भी सपोर्ट करता जाए। लेसन नंबर 5 है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, यानी संघर्ष को संभालना। ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है और सोसाइटी में रहते हुए टकराव होना लाजमी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सभ्य तरीके से हैंडल करना सीखना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 है टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स किसी ऑफिस की टीम में हो सकते हैं। इसमें हर कोई बोलता है कि यह टास्क मेरा नहीं था। इसे सॉल्व करने का तरीका है कि शुरू में ही टास्क अच्छे से डिवाइड कर दें और सबको पूरा समझा दें। नंबर 4 है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप में आते हैं। इसके कारण ट्रू न करना, सम्मान न देना या धोखा देना आदि हो सकता है। तो इन सब से बचकर रिस्पेक्ट और सहयोग से पेश आना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर काम करें। कभी भी ईगो या घमंड को बीच में न लाए। नंबर 6 है इंटरपर्सनल रीथिंकिंग, यानी पारस्परिक पुनर्विचार। बहुत बार डिबेट के दौरान लोग प्रीचर्स की तरह बोलते चले जाते हैं। वे दूसरों पर अपने विचार थोप रहे होते हैं, लेकिन यह तरीका गलत होता है। जब भी आपको कोई डिबेट करना है तो साइंटिफिक तरीका अपनाएं और दूसरों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दें। उससे लॉजिकल क्वेश्चन पूछें और इस तरह से पूछें कि आपका जवाब वे खुद ही दें। जैसे आपको किसी को समझाना है कि ऑफिस में लेट नहीं आना चाहिए, तो इस पर लेक्चर देने की बजाय उससे पूछें कि लेट होने का क्या कारण है। अगर वे बोले कि ट्रैफिक ज्यादा होता है, फिर आप पूछ सकते हैं कितने बजे घर से निकलते हो। वे अगर 8 बजे बोले तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आधा घंटा पहले निकले। इससे सामने वाले को भी सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह से साइंटिफिक तरीके से सबको अपनी प्रॉब्लम समझने में आसानी होती है और वह आपका सजेशन भी मान लेता है। लेकिन यह सब ऑर्डर की तरह नहीं लगना चाहिए, बल्कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बोला जाना चाहिए। रूल नंबर 7 है राइवल्स एंड फ्रेंड्स, याने प्रतिद्वंदियों और मित्रता। अक्सर हम लाइफ में राइवल्स और फ्रेंड्स ढूंढ ही लेते हैं। हम राइवल्स को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और उनके नजरिए को भी समझना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ अपने अलाइज की बात ही मानते हैं, उनके विचारों से सहमत होते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन इससे हमें पोलराइजेशन का खतरा होता है, मतलब
हम एक ही तरह के विचारों के आदि हो जाते हैं, जबकि दुनिया में तरह तरह के विचार होते हैं। इसलिए हमें किसी एक का पक्ष लेने के बजाय सबकी बात सुननी चाहिए और एक कॉमन ग्राउंड तलाशना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी मुद्दे पर सब लोग एक जैसा दृष्टिकोण जरूर रखते हैं। इसी की हेल्प से हम राइवल्स के साथ भी रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। कुछ बातें काम की हो सकती हैं, उन्हें मानकर हम उन्हें भी फ्रेंड्स बना सकते हैं। नंबर 8 है मोटिवेशनल थिंकिंग। हम अपनी बातों से दूसरों को मोटिवेट करना भी सीख सकते हैं। ऑथर ने हमें एक महिला का एग्जाम्पल दिया है। ये महिला किसी जनजाति से संबंध रखती थी। एक बार उसे बच्चा हुआ, लेकिन वह वैक्सीन के खिलाफ थी, क्योंकि उसकी जनजाति के लोगों ने बोल रखा था कि वैक्सीन से बच्चे का दिमाग कम हो जाता है। लेकिन तभी एक मोटिवेशनल स्पीकर उस महिला के पास आया और उसने उसे कुछ प्रश्न पूछे। नंबर 1, क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जिसे वैक्सीन लगी हो और वो पागल हुआ हो? इससे महिला ने जवाब दिया, ना। नंबर 2, आपके यहाँ क्या किसी बच्चे की मौत हुई है वैक्सीन लगने से? इसके जवाब में महिला ने कहा कि बहुत से बच्चों की मौत होती रहती है। जब महिला ने यह जवाब दिया तो अपने आप ही उसके डाउट कुछ हद तक मिट गए, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर ने उचित प्रश्न पूछकर महिला को सोचने के लिए मोटिवेट कर दिया। फिर मोटिवेटर ने समझाया कि वैक्सीन कैसे काम करती है और इसका ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है। उसने महिला को चित्र और वीडियो भी दिखाए। इससे महिला मान गई और उसने अपने बच्चे का वैक्सीनेशन करवाया। इससे आगे चलकर उसके बच्चे को कोई भी इन्फेक्शनल बीमारी नहीं हुई। यह देखकर उस महिला ने दूसरी औरतों को भी समझाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आप भी सिर्फ अपने ओपिनियंस दूसरों पर न ला दें, बल्कि उचित प्रश्न पूछकर सामने वाले को सोचने के लिए मोटिवेट करते रहें। बहुत बार लोग खुद से ही प्रश्न पूछकर खुद ही जवाब देते हैं, इसलिए उनके मन में डर बैठ जाता है। आपका साइंटिफिक फैक्ट्स के जरिए उस डर को मिटाने की कोशिश कीजिए। इससे आप भी बहुत अच्छे मोटिवेटर बन जाएंगे। नंबर 9 है बाइनरी इश्यूज, यानी दो चीजों या हिस्सों से बनी हुई कोई एक चीज। कई बार हमें दो अलग अलग ग्रुप से भी डील करना पड़ता है, जिनकी विचारधारा एक दूसरे से अपोजिट होती है। जैसे ऑथर को एक बार ब्लैक और व्हाइट लोगों को लेक्चर देना था। अगर वे एक ग्रुप के हित में बात करते तो दूसरा नाराज होता, इसलिए उन्होंने बहुत ही समझदारी से साइंटिफिक फैक्ट रखे और दोनों ही ग्रुप्स से उनके ओपिनियन पूछे। इससे उन लोगों ने खुद ही ऐसे पॉइंट बताए जो ऑथर को पता नहीं थे, और अंत में सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए राजी हो गए। इसलिए लोग कभी भी प्रवचन वाला भाषण पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें एविडेंस से युक्त स्टेटमेंट ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नंबर 10 है एवरी चेंजिंग वर्ल्ड, यानी सदैव बदलती दुनिया। दोस्तों, दुनिया हमेशा बदलती रही है, उसी तरह नॉलेज भी बदल रहा है। लेकिन कुछ लोग बदलने से इंकार कर देते हैं, वे सदियों पुरानी बातें ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा, जब सरकार कोई नई पॉलिसी लाना चाहती है तो बहुत से लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे आधार आया था तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया और लोगों को डराया भी गया। लेकिन अब आधार से कितनी सुविधा हो गई है, आपको कहीं भी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती है। हर चीज आधार से लिंक्ड है। इससे बहुत सारा पेपर वर्क भी बच जाता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। इसलिए हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। कभी हम लोग लेटर लिखकर संदेश भेजते थे, इसके स्थान में ईमेल ने लिया, और अब तो व्हाट्सएप से सेकंडों में आप पूरी दुनिया में रियल टाइम मैसेज भेज रहे हो। अगर आपने इस सब का नॉलेज नहीं लिया होता तो आप कितना पीछे होते। ऐसे ही फ्यूचर में भी बहुत से बदलाव आएंगे। हमें चाहिए कि जल्दी से उन्हें समझ कर अपने आप को उनके अनुकूल ढाल लें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और वक्त के साथ चल पाएंगे, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। रूल नंबर 11 है रीथिंकिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट कल्चर में भी थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो पुराने ढांचे पर चलती रही हैं, वे एक दिन डूब जाती हैं। पहले
पहले कोडक एक बहुत फेमस कंपनी थी जो कैमरा की फिल्म बनाती थी, लेकिन जब डिजिटल क्रांति आई तो कैमरा डिजिटल फोटोज लेने लगा, इससे कोडक कंपनी बंद हो गई। उन्होंने खुद को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं किया, इसके विपरीत नोकिया ने डिजिटल अपना लिया और अपने सारे प्रोडक्ट को अपग्रेड कर दिया, इसलिए वह कंपनी अभी भी बनी हुई है। कॉर्पोरेट में लोगों को टीम वर्क करना पड़ता है, इसलिए सबको रीथिंकिंग की आदत बनानी होगी, सबका ओपिनियन सुनना चाहिए, तभी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। कई बार गलत ओपिनियन से नई चीजें सीखने को मिलती हैं, इसके लिए ऐसे ओपिनियंस की इंशर्ट न करें, उनके ओपिनियन को डिस्कस किया जाना चाहिए। रूल नंबर 12 है टनल विजन थिंक अगेन। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा एक गोल से पूरी तरह बंधा नहीं रहना चाहिए, बल्कि समय समय पर उसे अवैल्यूएट करना चाहिए। हो सकता है कि टाइम के साथ नई सिचुएशन आ गई हो और आपको अपना गोल्स बदलना पड़े। बहुत से लोग लाइफ में प्लान बनाते हैं, जैसे किसी पार्टनर से शादी करेंगे, कहाँ घर खरीदेंगे, कौन सी जॉब करेंगे या कहाँ घूमने जाएंगे, फिर उन प्लान को अचीव करने के लिए कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग खुला नहीं रखते हैं तो कई बार हम अगल बगल से आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देते हैं। एक ही गोल्स का अंधे होकर चॉइस करने से हमारे में टनल विजन पैदा हो जाता है, और अगर कभी कोई प्लान फेल हो जाए तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि हो सकता है वो प्लान अच्छा ना था, या इसके बदले हमारे पास और बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, यह तभी होगा जब हम हमारी अपनी थिंकिंग पर रिकंसीडरेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी जब हम अपनी थिंकिंग पुनः विचार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए कोई भी गोल्स या प्लान पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए, तभी हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। तो आज की ऑडियो बुक समरी आपको अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से उभरने के लिए तथा सही निर्णय लेने में और समझदारी के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करने और बेहतर तरीके से दुनिया को समझने में योगदान देती है। साथ ही आपको नए और अलग नजरिए से दुनिया को देखने के लिए मोटिवेट करती है। आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी ही और ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।